मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के जिन्होंने एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण समस्या और उनका समाधान लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आ जाने पर लाइक कर दीजिएगा और अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग इस अध्याय में अध्याय 2 में हम लोग बीजे सार्वसामिका पढ़े थे, उन्हीं सार्वसामिका का एप्लीकेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी का चलते हैं और देखते हैं कि वो समस्या क्या है और बीजगणित सार्वसामिका का प्रयोग करके हम कैसे उनको हल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है अध्याय 2.5 में, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इसको सीधा गुना नहीं करना है बल्कि बीजीय सार्वसामिका का हमको प्रयोग करना है। इसको सीधा गुना नहीं करना है, एक नंबर में जो है 103 गुना 107 है, तो इसको बीजीय सार्वसामिका का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100+3 और गुना इसको लिख सकते हैं 100+7। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बीजीय सार्वसामिका होता है ये, आप देखिए कि अगर यहाँ पर x+a गुना x+b हो तो इसका मान होता है x² + a + bx और +ab, ये बीजीय सार्वसामिका होता है। अब इस बीजीय सार्वसामिका का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए x के जगह 100 है, एक्स के जगह 100 है, तो 100 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस चिन्ह। ए के जगह देखिए 3 है तो 3 हो गया, प्लस बी के जगह कितना है, 7 है, 7 हो गया, एक्स के जगह 100 है, 100 हो गया, फिर ए के जगह 3 और बी के जगह कितना है, 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7 × 3 = 10 हो गया और इसको गुना करना है कितना से, 100 से, और ये 7 × 3 = 21 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन और लिखिए, ये हमारा हो गया 10,000 प्लस यहाँ पर हो गया हमको 1,000, इसको गुना करिए 1,000, तो यहाँ पर कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब यहाँ पर जोड़िएगा 2 1 हो गया और उसके बाद फिर 1 0 हो जाएगा, फिर 1 हो गया, यानी 11,021 आ गया। तो इसका आंसर देखिए, हम बिना सीधे गुना किए हमने निकाल लिया किसका प्रयोग करके, इस बीजीय सार्वसामिका का प्रयोग करके, तो इसका एप्लीकेशन हुआ ही। अगली समस्या देखते हैं और उसका एप्लीकेशन के बारे में देखिए अगला जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे बना सकते हैं। ये तो हमारा 1 नंबर का हो गया, अब आप दूसरा नंबर का देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। दूसरा वाला देखिए, तो दूसरा नंबर हम लोगों का है वो कौन सा नंबर है, तो दूसरा नंबर में हमारा 95 × 96 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5 और इसको लिख सकते हैं गुना, यहाँ है 100 - 4, ये घटाएंगे तो 95 आएगा, ये घटाएंगे तो 96 आएगा। तो इसी फॉर्मूला में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स के जगह 100 है तो हमने 100 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस चिन्ह है, प्लस लिख दिया। अब ए का मान -5 है तो यहाँ -5 हो गया, बी का मान भी हमारा कितना है -4 है तो -4 हो गया, एक्स के जगह 100 है, 100 से गुना कर दिए और उसके बाद हमारा प्लस हो जाएगा और ए और बी हो जाएगा, ए का मान -5 है और बी का मान -4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ गया, 10,000 आ गया और यहाँ पर हमारा प्लस चिन्ह है और ये 5 × 4 कितना हो जाएगा, -9 और ये 00 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर -+ +5 × 20 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 20 इसके साथ जोड़ दीजिए तो 10,020 हो जाएगा, 10,020 हो गया और यहाँ पर -900 हो गया, 9 से गुना करेंगे, यहाँ प्लस और माइनस, माइनस हो गया, -900 हो गया, 0 में 0 गया, 0 बचा यहाँ, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और ये कितना हो गया, 9,120 हमारा दूसरा वाला
गुना हो गया। तो यहाँ भी इसी बीज सार्वसामिका का प्रयोग किए सी बिना सीधे गुना किए हम उसका गुणनफल निकाल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न इस वीडियो का वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीन में है 104 और एक जगह है 196। कितना है 104 और 96 है, 104 गुना 96 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और इसको गुना के रूप में 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। देखिए 100 में 4 घटाएंगे 96 होगा, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, याद कीजिए हम लोग एक फॉर्मूला, ये जो जानते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी फॉर्मूला का यहाँ पर अप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर ए के जगह कितना है 100 और बी के जगह कितना है 4 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। 100 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 10,000 हो गया, 4 को ये 16 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया 8 बच गया, और यहाँ से एक 9 आ गया और फिर ये 9 आ गया, यानी 9984 हमारा इसका गुना आ गया। तो इस प्रकार से कौन सा हम लोग बीजो ये फॉर्मूला पढ़ने लगे, दो बीजो सर्वसामिका का अप्लीकेशन देखे यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो 9 बीजो सर्वसामिका हम लोग को पढ़ने पढ़ा है वो सारा का हम लोग यूज देखेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आ गया हो पसंद और लाइक करने अगर भूल गए हैं तो जल्दी से कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी अध्याय का अगले समस्या का समाधान के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।